एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह तंगी है रिज्क की, कोई वजीफा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए, कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे वे वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ों ही मंदा बुढ़ा हो जाऊं। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, सुनो ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी के बाद। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कह या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्की, मैं चाहता हूँ मेरी रोजी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, तू बावुजू रहा कर तेरा रिज़्क खुल जाए। कोई जोर लगता है वुजू? तुम्हारे यहां तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुजू, ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुजू कर। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़े, नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी ना ले जाओ, सर्दी बड़ी, मरासियों को सर्दी ज्यादा। मैंने कहा नहीं आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको लेके जब वो टूटी पे बैठा ना, जो ही हाथ पे पाए ठंडा पानी, ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी, मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लो। अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क, मेरे नबी ने फरमाया बावजू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है, तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदिम अला तहारा व्यवस्था ले कर इसको बावजू रहा कर। अच्छा, बावजू रहने के और फायदे, अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है, और वजू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी। चलो यार वजू है, चार फर्ज ही पढ़ लोगे।